दोस्तों स्वागत है आपका एचआरआई न्यूज पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को ठहराया जिम्मेदार। कहा है कि किसान जला रहे हैं पराली, जिसके कारण दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जब CGI NV रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई कर रही थी, तो मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत बोले, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, आप ऐसे कैसे किसानों पर दोष मढ़ सकते हैं। किसानों द्वारा पराली जलाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने कहा कि वह भी एक किसान परिवार से हैं, चीफ जस्टिस NV रमना भी एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि गरीब सीमांत किसान पराली प्रबंधन के लिए मशीन नहीं खरीद सकते। दोस्तों केंद्र सरकार यहां पर अपना पल्ला झाड़ना चाहती थी, लेकिन तीनों जजों की बेंच ने मोदी सरकार को नहीं छोड़ा और मोदी सरकार को फटकार लगाई है कि इसके लिए प्रबंध करें, नहीं तो केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया जाएगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चाहें तो लॉकडाउन का भी रास्ता अपना सकते हैं। देख सकते हैं अब सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार को फटकार लगा रहा है और किसानों के साथ नजर आया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय के सामने निकल के आ रही थी। खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।